हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब कार्ड पर 100 दिनों के कार्यों के बारे में। दोस्तों, जॉब कार्ड पर 100 दिन का कार्य दिया जाता है और लेबर है उस पर कार्य करती रहती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसने कितने दिन का कार्य कर दिया है और अभी वो कितने दिन का और कार्य कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपके जॉब कार्ड पर आपने कितना दिन का कार्य किया है और कितने दिन का बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे या तो आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करोगे, सर्च में लिखोगे नरेगा, आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी narega.nic.in। आप इस पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद भी आप नरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट के डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का ओपन होते हुए दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे इसको आपको डेस्कटॉप साइड में ऑन कर लेना है, इसलिए सारे फीचर्स आपको इजीली तरीके से दिखाई देंगे। क्लिक करेंगे थ्री डॉट पर, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड को टिक करेंगे और यह पेज है आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको की फीचर्स का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें सेकेंड स्टेट का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। उसी के साथ आपको सभी राज्यों के नाम दिखाई दे रहे होंगे, आप यहां से अपने राज्य के नाम पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके स्टेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट है ओपन हो जाएगी। आप अपने जो जिला है अपना, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके ज़िले में जितने भी ब्लॉक हैं उनके नाम आ जाएंगे, आप अपने ब्लॉक के नाम पर क्लिक करेंगे। आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके नाम होंगे, आप अपनी ग्राम पंचायत के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप ग्राम पंचायत रिपोर्ट्स में लॉगिन हो जाएंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने जॉब कार्ड का यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे जॉब कार्ड को देखने के लिए जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपकी ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड की सूची ओपन हो जाएगी। यहाँ से अब आपको अपना जो जॉब कार्ड है उसको सर्च कर लेना है, या आपको पता है तो उस पर क्लिक करना है। सर्च करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फाइंड इन पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना जो जॉब कार्ड नंबर है उसको टाइप करेंगे। आपका जॉब कार्ड नंबर हाईलाइट हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जॉब कार्ड है ओपन हो जाएगा। आप अपने जॉब कार्ड की डिटेल्स को चेक करेंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गाँव, उसके बाद आपके जॉब कार्ड में कितने फैमिली मेम्बर ऐड हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे जिस भी वित्तीय वर्ष का आप चेक करना चाहते हैं यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। सत्र 2023 और 24 में यहाँ पे अभी 7 दिन का कार्य आप कर चुके हैं, जो कि 3 और 3 और 1 की प्रेजेंट लगी हुई है। यहाँ पे आपका 7 दिन का जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में लग चुका है। इसके अलावा और भी डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के लिए आप अपने जॉब कार्ड नंबर को यहाँ पर रिमेम्बर रखेंगे या कॉपी कर लेंगे, बैक आएंगे। यहाँ पे बैक आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अलर्ट ऑन अटेंडेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक तरह की सूची ओपन हो जाएगी, जिसमें जो एक रिपोर्ट है और रिमेनिंग डेज की वो यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फाइंड इन पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना जॉब कार्ड नंबर टाइप कर लाइट हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी इस जॉब कार्ड धारक के 100 के 100 दिन हैं। यहाँ पे वो जो मैंने 7 दिन बताए थे वो 2023 और 24 का सत्र था, अब ये 24 और 25 का सत्र है, जो कि यहाँ पे 24 और 25 सत्र में इन्होंने एक दिन भी कार्य नहीं किया है और इनके 100 के 100 दिन बाकी हैं। आप इस यह जॉब कार्ड धारक के 100 के 100 दिनों का पेमेंट ले सकता है। इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने सत्र 2024 और 25 में 13 दिन कार्य कर लिया है और इन्हें अभी 87 दिन बाकी और मिलेंगे कार्य करने के लिए। यह जॉब कार्ड धारक हैं और इनका नाम दिया हुआ है। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपने जॉब कार्ड की डिटेल्स को पता कर सकते हैं कि आपने सत्र 2024-25 या 2023-24 में कितना काम किया था और इतने इस सत्र में आपको कितने दिन का कार्य मिल रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।